देर से निकलेगी ना मार कर भी वतन की उर्फत, देर से निकलेगी ना मार कर भी वतन की उर्फत, वहीं मिट्टी से खुशबू वफा आएगी। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। रामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना ने अपनी बेहद जदोजहद से इस ख्वाब को हकीकत में बदला। अब हमें ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान को वैसे ही बनाएं जैसा कि इसका तसव्वुर कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना ने किया था। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुर जिसे अंदेशा ज़वार ना हो। कायदे आजम ने फरमाया कि पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि एक अरब मुस्लिम रियासत हो। मुस्लिम रियासत तो बन गई लेकिन यहाँ अभी तक ऐसी सकाफत ना रही जैसी पाकिस्तान बनने के वक्त थी। हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और हमें चाहिए कि इसकी शान बढ़ाएं। ऐसे में एक ही तस्वीर नज़र आती है और वो है तारीम। कायदे आजम का भी यही फरमान है, काम काम और सिर्फ काम। हमें मेहनत और लगन से तारीम हासिल करनी चाहिए और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए ताकि कोई भी हमें नुकसान ना पहुंचा सके। पाकिस्तान के लिए हमें इस दरख्त की तरह होना होगा जो गिर तो जाए मगर अपनी जगह ना बदले। इस बारिश की तरह होना होगा जो फूलों पर ही नहीं कांटों पर भी बरसे। हमें पाकिस्तान को समाजी बुराइयों से पाक करना होगा, तारीम को आम होना होगा, हर शहर और गाँव में सेहत की सहूलियात मुयसर होनी होंगी और सबसे बढ़कर कानून सबके लिए बराबर होना होगा। बुनियादी सहूलियात जैसे घी चावल रोटी पर टैक्स नहीं होना चाहिए। गैर जरूरी दालों को ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें चाहिए कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम गुज़री रात का मातम नहीं करते। थैंक यू।